हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल फैब्रिकेशन टिप्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं गल्फ जाने के लिए और इंडिया में रिगर से इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो वीडियो पर लाइन पर बने रहिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, योर नेम एंड एड्रेस विल बी आस्क्ड पासपोर्ट वेरिफिकेशन। मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस और पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आप पासपोर्ट नेम और पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताना है। ठीक है दोस्तों, और आप जहाँ जहाँ काम किए हैं वो सीवी अपने साथ में लेके जाना है। वो पूरा सीवी सर्टिफिकेट क्लाइंट को दिखाना है कि मैं यहाँ यहाँ काम किया हूँ, इस कंपनी में काम किया हूँ, पूरा डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, रिगर डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे रिगर का काम क्या होता है, तो रिगर का काम शिपयार्ड, कंस्ट्रक्शन साइट एंड बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर रिगर का काम, जैसे कि कॉलम बीम, सब एक स्थान से दूसरे जगह उसको मतलब आरेक्शन करने के लिए उसका उपयोग होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग सीलिंग। लिफ्टिंग सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिफ्टिंग सीलिंग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाई रोप सीलिंग, दूसरा होता है सिंथेटिक वेव सीलिंग होता है, तीसरा होता है चैन सीलिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले दिखाया गया है, वाई रोप सीलिंग कैसे होता है, चैन सीलिंग कहता है कैसे होता है, और सिंथेटिक नायलॉन वेब सीलिंग कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रेन। क्रेन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है हमारा फ्लोटिंग क्रेन होता है, दूसरा होता है टेलीस्कोपिक क्रेन होता है, तीसरा होता है क्रॉलर क्रेन होता है, चौथा होता है रफ ट्रेनर क्रेन होता है, पाँचवा है ट्रक माउंटेड क्रेन होता है, छवा है टावर क्रेन होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टेल मी क्रेन पार्ट नेम। ठीक है दोस्तों, तो क्रेन के पार्ट नेम बताना है आपको। बूम होता है, सीलिंग होता है, हुक ब्लॉक होता है, डिसेकल होता है, आउट रिगर होता है, काउंटर वेट होता है, वेब सीलिंग होता है, पुली होता है, रोटेक्स गियर होता है। ठीक है दोस्तों, फाइव नंबर है, टाइप्स ऑफ रिगर लोड कैपेसिटी। मतलब रिगर के कितने टाइप्स हैं और वो कितने लोड उठा सकते हैं क्रेन से, उसका कैपेसिटी आपको बताना है। तो लेवल थ्री हमारा 10 टन उठा सकता है, लेवल टू 40 टन उठा सकता है और लेवल वन 40 टन से ऊपर माल उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंट आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो SWL का फुल फॉर्म पूछेगा, WLL का फुल फॉर्म पूछेगा, LMI का फुल फॉर्म पूछेगा और RCL का फुल फॉर्म क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। तो आप इधर डिस्प्ले पे दिया हुआ है, SWL का फुल फॉर्म है सेफ वर्किंग लोड लिमिट, लोड मूवमेंट इंडिकेटर, रोटेट कैपेसिटी लिमिट, इसका सब फुल फॉर्म लिखा है, आप क्लाइंट को याद करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैन सीलिंग। क्लाइंट आपसे पूछ सकता है चैन सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप डिस्प्ले पे दिया हुआ है, आप बता सकते हैं। सिंगल लेग होता है, डबल लेग होता है, थ्री लेग होता है, फोर लेग होता है। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायर रोप सीलिंग। वायर रोप सीलिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख कर बता सकते हैं डिस्प्ले में, ये ए से लेकर यम तक है उसका वायर रोप सीलिंग है, जो डिस्प्ले पे आपको दिखाया गया है आप देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स आर वेविंग सीलिंग। मतलब वेविंग सीलिंग के कलर कोड है उसके बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 कलर का वेविंग सीलिंग का कलर कोड है, तो इस पे दिखाया गया है आपको, मतलब कौन सा कलर कितने टन का बेल्ट यूज होता है उसके बारे में दिया गया है। तो वायलेंट कलर है जो 1 टन का होता है, ग्रीन कलर होता है वो 2 टन में यूज होता है, येलो कलर है वो 3 टन में होता है, ग्रे कलर है 4 टन में होता है, रेड कलर का जो बेल्ट आएगा वो 5 टन का होता है, ब्राउन कलर का है वो 6 टन का होगा, ब्लू कलर का है वो 8 टन का होगा,
ऑरेंज कलर का है वो डस्टन होता है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका कलर कोड है, आप देखकर जान सकते हैं कि कौन सा कलर कितना टन का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन है उसमें, ये जो हमारा बेल्ट होता है उसमें ब्लैक कलर का लाइनिंग होता है, तो जो भी बेल्ट होगा उस पर ब्लैक कलर का जितना लाइनिंग होगा वो उतना टन का बेल्ट होता है। जैसे कि इसमें येलो कलर का बेल्ट है, इसमें 3 लाइनिंग दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये 3 टन का बेल्ट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लिफ्टिंग टूल्स, तो आप बता सकते हैं आंसर में, वायर रोप होता है, वेव सीलिंग, डी साइकिल होता है, बो साइकिल होता है, चैन सीलिंग होता है, चैन ब्लॉक होता है, लिफ्टिंग क्लैंप होता है। ये आपको क्लाइंट कुछ ड्राइंग भी दिखा सकता है या डिस्प्ले पे कंप्यूटर के आपके पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है जो क्लाइंट आपसे पूछेगा, हजार्ड एंड प्रिक्यूशन इन लिफ्टिंग, मतलब लिफ्टिंग करने के समय कौन कौन सा हजार्ड हो सकता है, कौन कौन सा खतरा हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले हम लिफ्टिंग करेंगे तो उसको क्रेन के चारों ओर बैरिकेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। बैरिकेड करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्प्ले पे दिया हुआ है, डैमेज लिफ्टिंग टूल्स, अगर कोई भी टूल्स चेक करके यूज करना है, कोई भी डैमेज नहीं हो, और कलेक्शन भी देख सकते हैं। 3 नंबर है ओवरटर्न ऑफ क्रेन, ज़्यादा लोड हो सकता है तो क्रेन पलटी होने का भी चांस रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा लोड उसका ओवरटर्न इंडिकेटर होता है, उसे मालूम चल जाएगा। और 4 नंबर है लाइन ऑफ फायर, चारों तरफ से बैरिकेटिंग करना है, ठीक है दोस्तों। अब फॉल ऑफ लोड, कभी भी जब लोड सस्पेंडेड लोड उठाया जाता है तो उसके नीचे आपको नहीं जाना है, उसे दूरी बना के रहना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।